कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 8A हम लोग देखेंगे। बोल रहा है क्वेश्चन में कि बगल के चित्र में एबीसीडी पर लंब है, एबीसीडी पर लंब है और एपी समांतर है सीडी के, एपी समांतर है सीडी के, कोण सीबीपी बराबर 138 डिग्री, पूरा कोण जो है वो 138 डिग्री का है, तो कोण ए बी पी और कोण ए पी बी का नाम बताइए। ए बी पी और ए पी बी, ये कोण और ये कोण बताइए। ठीक, तो आइए देखते हैं। ए में देखिए यहाँ पे चूंकि ए बी लंब है किस पर, सी डी पर, ए बी लंब है सी डी पर, इसलिए क्या हो जाएगा कोण ए बी डी, ए बी डी बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, ये पूरा 90 डिग्री हो जाएगा है। या फिर कहिए तो ए बी सी कर दीजिए, ए बी सी 90 डिग्री, इधर लकी पे इधर एंगल दिया हुआ है, ये 90 डिग्री हो जाएगा पूरा है, 90 डिग्री हो जाएगा। लेकिन हमको तो चाहिए यही कोण ना चाहिए है, हमको ये कोण चाहिए, ये कोण हमारे पास दिया हुआ है कोण सीबीपी, कोण सीबीपी बराबर 138 डिग्री दिया हुआ है। अब 138 डिग्री में से पूरा 138 डिग्री में से इतना 90 डिग्री तो घटा देंगे तो नहीं पता चल जाएगा है, तो कोण एबीपी बराबर कोण सी बी पी, पूरा कोण सी बी पी में से ए बी सी घटा दें माइनस कोण ए बी सी, यानी कि 138 डिग्री घटाओ 90 डिग्री तो बताइए कितना बच जाएगा, 48 डिग्री बच जाएगा, 48 डिग्री बचेगा कि नहीं बचेगा है, 48 डिग्री हो गया ए का आंसर। अच्छा बी, बी नंबर पूछ रहा है ये वाला कोण, कौन वाला कोण, ये वाला कोण पूछ रहा है। अब ये वाला कोण पूछ रहा है तो देखिए बी नंबर ऐसे ना, तो चूंकि क्या बोल रहा है, बोल रहा है एपी समांतर है सीडी के, एपी समांतर है सीडी के, इसलिए कोण ए पी बी जोड़ कोण सी बी पी, कोण सी बी पी ठीक है बराबर 180 डिग्री होना चाहिए, कितना होना चाहिए 180 डिग्री, क्यों होना चाहिए क्योंकि एक ही और का अंतर कोण है, एक ही और के अंतर कोण, जब एक ही ओर के अंतर कोण, जब दो रेखाएं समांतर होती है तो एक ही ओर के अंतर कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री है ना, 180 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए ए पी बी हमको नहीं पता है, ए पी बी तो हमको निकालना है, ए पी बी हमको निकालना है, लेकिन सी बी पी हमको पता है, सी बी पी 138 डिग्री कितना है 138 डिग्री, 180 डिग्री ठीक। तो हम कहेंगे कि कोण ए पी बी बराबर 180 डिग्री घटाओ 138 डिग्री, 38 डिग्री 42, तो ये 42 डिग्री नहीं हो जाएगा है, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा नहीं, दिस इज आंसर, दोनों का हो गया, इसको नोट कर लिया जाए। देखिए बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9, सिद्ध करें कि यदि किसी त्रिभुज का एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर हो तो त्रिभुज समकोण होता है। क्या बोल रहा है कि सिद्ध करें कि यदि किसी त्रिभुज का एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर हो तो त्रिभुज समकोण होता है। कितना नंबर है 9 नंबर, कितना नंबर है 9 नंबर, तो ये बोल रहा है इसको हम बोलेंगे साधारण प्रतिज्ञा, क्या बोलेंगे साधारण प्रतिज्ञा,
साधारण प्रतिक्रिया मतलब कि जो बात बोला है वो हमारे पास सीधे सीधे क्या है, वो बोल रहा है कि साधारण प्रतिक्रिया में कि किसी त्रिभुज का एक कोण शेष दो कोणों शेष अभिकारकों की दो कोणों शेष दो कोणों के योग के योग के बराबर वो बराबर हो तो त्रिभुज कैसा होता है? त्रिभुज समकोण होता है। त्रिभुज कैसा होता है? त्रिभुज समकोण होता है। त्रिभुज कैसा होता है? समकोण होता है। ठीक है, त्रिभुज समकोण होता है। तो देखिए यहाँ पे हम एक त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक त्रिभुज बनाते हैं। देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज हमने मान लीजिए बना दिया, एक त्रिभुज बना दिया। ठीक है, इस त्रिभुज का हम नामकरण करते हैं ए बी सी। क्या हो गया ये त्रिभुज? ए बी सी। तो विशेष प्रतिज्ञा, विशेष प्रतिज्ञा, विशेष प्रतिज्ञा में हम लोग लिखेंगे, विशेष प्रतिज्ञा में हम लोग क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, जो कोण बी है, कोण बी है, कोण ए बी सी जो है वो बराबर है किसके? कोण बी ए सी प्लस कोण बी सी ए, बी सी ए, सी ए के। ठीक, यस सर, बराबर है कोण बी सी ए के। ठीक है, हैं? तो आइए अब हम क्या करते हैं कि हमें सिद्ध करना, हम क्या लिखते हैं? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री है, या कह देंगे कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी जो है वो क्या है? समकोण है। त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है। इन दोनों में से कोई भी बात एक अगर सिद्ध हो जाएगी तो दोनों बातें सिद्ध हो जाएंगी। ठीक, उपपत्ति क्या लिखेंगे? उपपत्ति यहां से हम बनाना चालू कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कोण ए बी सी बराबर कोण बी ए सी प्लस कोण बी सी ए, ये है, ये दिया हुआ है, दिया हुआ, दिया ना, कोण त्रिभुज के, त्रिभुज के कोणों, त्रिभुज के कोणों के योग के गुणधर्म से, गुण धर्म से कोण ए बी सी प्लस कोण बी ए सी प्लस कोण बी सी ए बराबर 180 डिग्री होना चाहिए। त्रिभुज के कोणों का योग का गुणधर्म ये ना बोलता है? yes, sir. ये कोण, ये कोण और ये कोण जोड़ दीजिए 180 डिग्री होना चाहिए, है? लेकिन ये तो बराबर है, yes, है? तो मैं ऐसे नहीं लिख सकते कोण ए बी सी प्लस कोण ए बी सी बराबर 180 डिग्री, क्योंकि दोनों जो है इसके बराबर है, है? लिख देंगे एक से, क्या लिख देंगे? X. एक से, उसको एक नाम दे दिए। ठीक, अब देखिए दो कोण ए बी सी बराबर 180 डिग्री। अब देखिए
ए वो कोण ए बी सी, ए वो कोण ए बी सी, दोनों को जोड़ने का दो कोण ए बी सी होगा कि नहीं होगा, तो कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर 180 डिग्री, अब बटे तो यहाँ पे गुणा में दो है तो जाएगा तो बटे में हो जाएगा, काट देंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। किसी त्रिभुज का एक कोण अगर 90 डिग्री का होता है तो त्रिभुज समकोण होता है, अतः त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है, सिद्ध होगा, सिद्ध हो गया ना। चलिए इसको नोट कीजिए,